ट्रेनर बना दे तो हम एक नहीं 100 लड़का को ट्रेनिंग करा सकते हैं, क्योंकि हम जब खुद कर रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कोई बेकार लड़का करके खाए। मतलब आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हो? हाँ हाँ, उसके लिए तकलीफ होता है। नया फार्मर को एकदम बिल्कुल इसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, के भी सेटअप है, छोटा सा है। अच्छा, वो कितना कैपेसिटी? 100 कैपेसिटी का। आपका कितना खर्चा हुआ अभी तक? मेरे तो लगभग 6 लाख रुपया खर्चा हो। नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम मिथुन चौधरी, स्वागत है सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आए हैं एक फार्म में जो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है, जिसमें देसी मुर्गी में जैसे आरआईआर कड़कनाथ, उसके साथ खाकी कंबल डक और उसके साथ मछली भी पालन कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उस फार्मर से मिलाने वाला हूँ, कैसे फार्म को चला रहे हैं, कितना खर्चा आ रहा है और उससे वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना, ताकि दोस्तों मैं फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, ये है हमारे इस फार्म के ओनर, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनसे बात कर लेते हैं। तो नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो सर, सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुवेंदु चटर्जी है, ग्राम टाड़रा, थाना बिंदा पत्थर का, झारखंड स्टेट है आपका? स्टेट झारखंड है। ठीक है, तो सर आप ये बताइए, ये जो फार्म आपका है, ये आप कितने दिन से चला रहे हैं, कब स्टार्ट किए थे? ये हम मार्च से शुरू किए हैं। तो मार्च से मान लीजिए अभी तक तो 9 महीना हो रहा। अच्छा अच्छा, तो मेरा ये फार्म का 9 महीना का एक्सपीरियंस है। अच्छा, मतलब पिछले 9 महीने से आप इस काम को कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। तो इस काम को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ करते थे? ऐसे हम अमीन का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, अमीन मतलब वो जमीन मापी का? अच्छा अच्छा, वो भी करते हैं, अभी भी करते हैं। और कुछ करने के सोचे थे, तो चलो क्या करें, तो एक डक फार्म बना लिए। अच्छा, और इस फार्म में डक के साथ साथ और क्या क्या आपके फार्म में है? अभी तो मेरे पास कुछ मुर्गी है, वो भी देसी है, एस्ट्रोलॉब है, कड़कनाथ भी है, और फिलहाल इतना ही चल रहा है। अच्छा, तो मतलब आपके पास बत्तख है, देसी मुर्गी है? हाँ, और मछली है? मछली भी है तालाब में। अच्छा, मतलब आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप जब शुरुआत किए थे तो आप कितने मुर्गी से स्टार्ट किए थे और कितने डक से स्टार्ट किए थे? शुरुआत हम 500 डक लेके शुरू किए थे। अच्छा, तो मुर्गी तो उस टाइम नहीं घुसाए थे, बाद में देखें जे डाक में कुछ खवार वेस्टेज हो रहा है। अच्छा, अच्छा। खाना होना तो क्या करें, वो खाना तो फेंका जा रहा था। अच्छा। तो इसलिए हम सोचे जे कुछ मुर्गी उर्गी रख लें और साथ में एक तालाब भी थोड़ा सा खोद लें, क्योंकि बत्तख जब तालाब में जाती है तो वहाँ जाने से वहाँ जो बीट है वो बीट गिरती है। हाँ। तो उसमें मछली का खाना निकल जाता है। इतना खाना वेस्टेज हमारा ना हो, इसीलिए हम मुर्गी भी रखे हैं और मछली भी रखे हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें मछली भी पालन हो जाएगा और मुर्गी भी मेरा बड़ा हो जाएगा। अभी कौन सा मछली? हम लोगों को जो देसी वाला मछली होता है। अच्छा। जो जिसका डिमांड बंगाल में ज्यादा होता है। अच्छा, हम लोग का झारखंड में भी होता है। अच्छा, और रूई कतला मृगल। अच्छा, हाँ। रूई कतला मृगल जो मछली होता है, इसी का डिमांड ज्यादा रहता है और इसी में पैसा भी आता है। अच्छा अच्छा, तो खास करके हम लोग उसी के ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे तो अमेरिकन ग्लास कार्प, सिल्वर कार्प ये सब मछली है, लेकिन उतना उसका दाम भी नहीं है और उसका उतना डिमांड भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप कितना मछली का बच्चा कितना छोड़ देते हैं? हम ये छोटा सा तालाब में 5 किलो मछली बच्चा छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे आप जब ये तालाब बनाए थे तो इसका कितना कंस्ट्रक्शन कितना आया था? इसमें 25,000 रुपया खर्चा किया था। कितना इसका साइज है तालाब का? साइज आपका 60x70 का है और डीप आपका लगभग 10 फुट का है। 10 फुट का डीप है। और ये जो सेट दिख रहा है, ये सेट का क्या खर्चा आया था? सेट का तो पार्टिकुलर खर्चा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको 1.5 लाख मान के चलिए। 1.5 लाख। और ये आपका जो फार्म का एरिया है, ये कितना एरिया में जुड़ा हुआ है? ये आपका झारखंड का जमीन का हिसाब से 15 कट्ठा है। अच्छा, तो मुर्गी आप कितना पीस लाए थे? मुर्गी हम लाए थे 50 पीस। अच्छा, 50 में कड़कनाथ सब कुछ मिक्स था? हाँ, सब कुछ मिला के। अच्छा, सब कुछ मिला के हम 50 पीस मुर्गे लाए थे, जिसमें से मेरे पास 5-6 को कड़कनाथ था और ऐसे एस्ट्रोलॉप और देसी मिला के 40 पीस। 40 पीस था। अच्छा, तो आप जब शुरुआत किए थे तो आप चिक्स कहाँ से मंगाए थे, जैसे देसी मुर्गी का चिक्स कहाँ से मंगाए थे? चिक्स मतलब हम लोग देसी मुर्गी वाला जो देहात में जो मुर्गी होता है, उसी का अंडा लेके हम अपने हैच कर लिए थे। अच्छा, मतलब आपका हैचरी का भी सेटअप है? हाँ, हैचरी का भी सेटअप है, छोटा सा है। अच्छा, छोटा सा, मतलब हैंडमेड में। अच्छा, वो कितना कैपेसिटी? 100 कैपेसिटी का। अच्छा, 100 कैपेसिटी। 100 कैपेसिटी का 5 मशीन मेरे पास है। अच्छा, तो वो आप कहीं से खरीदे थे या खुद बनाए थे? खुद बना लिए थे। खुद यूट्यूब से देख के? हाँ, यूट्यूब देख के बना लिए थे। और इलेक्ट्रिसियन भी थोड़ा सा काम हम जानते हैं, तो कर लिए, देख लेंगे तो हो गया।
अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत सारे हम फार्मर से मिले हैं तो वो लोग यूट्यूब पे देख के करते हैं लेकिन उनका सक्सेस नहीं होता है ना, तो उसके लिए उसको टेक्निकल थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए ना, इसलिए होगा। अच्छा, तो बतख का जो बच्चा था मतलब डकलिंग, वो आप कितना पीस मंगाए थे स्टार्टिंग? वो हम 500 पीस लिए थे। अच्छा, तो ये जो बच्चा था ये कहाँ से मंगाए थे? ये बच्चा हम लिए थे आपका हमारा झारखंड राज्य का जो रांची है स्टेट, रांची जिला है, तो रांची से हम लिए थे वो रामकृष्ण मिशन से। अच्छा, रामकृष्ण मिशन। हाँ, तो वहाँ से आप क्यों मंगाए, कोई रीजन? उसके लिए उसका पीछे एक रीजन है तो है ही, क्योंकि आधार यहाँ जहाँ तहाँ लेंगे तो हमको जेन्युइन नहीं भी मिल सकता है। अच्छा, मतलब आपको मिक्स मिक्स का मिल जाएगा। हाँ, वो हमको ब्रीड तो अच्छा चाहिए, नया कर रहे थे तो सोचे जे एक अच्छा संस्था से लें तो हो सकता है हमको अच्छा ब्रीड मिले। अच्छा, तो इसीलिए हम वहाँ संस्था से लिए रामकृष्ण मिशन से। तो जैसे आप स्टार्टिंग में 500 पीस डक लाए थे तो उसके बाद आपका कुछ मॉर्टेलिटी भी हुआ था या? हाँ, मॉर्टेलिटी हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, लगभग मतलब कितना? मतलब फिर भी 500 में हमको लगभग मॉर्टेलिटी छोटा में मतलब एक महीना तक 8-10 को मॉर्टेलिटी हुआ था। अच्छा अच्छा, और ऐसे डक में थोड़ा मॉर्टेलिटी होते रहता है कभी कभी। अच्छा अच्छा, मतलब रीज़न क्या है? रीज़न उसका यही है, देखिए डक अगर मान लीजिए अचानक उसका कोई डर पैदा हो जाए। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम उसको मॉर्टेलिटी होता है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात है कि जो वो लोग को जो मीटिंग होता है। अच्छा अच्छा, मीटिंग तो मीटिंग का टाइम वो लोग क्या करते हैं तो एक दूसरे को दब देता है ना। अच्छा अच्छा, तो उसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। हाँ। तो क्या होता है तो ज्यादा जब हो जाता है तो उस टाइम भी मॉर्टेलिटी हो जाता है। अच्छा अच्छा, और कोई मेजर डिजीज? और मेजर डिजीज ऐसे कुछ है नहीं, उसको थोड़ा सा अगर मान लीजिए ठीक से देखभाल वगैरह कीजिएगा, उसका भाषा समझ पाइएगा। अच्छा अच्छा, उसको नजर में ठीक रखिएगा तो मॉर्टेलिटी उतना होने का कोई खतरा नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन आप अगर बोलिएगा हम उसको देखेंगे ही नहीं तो छोटा छोटा बीमारी में मॉर्टेलिटी हो सकता है। अच्छा, तो अभी आपके पास कौन कौन सा ब्रीड है डक का? डक का मेरे पास दो ब्रीड है, एक कैम्बल का है, खाकी कैम्बल जिसको बोला जाता है, और एक व्हाइट पैकिंग का है। अच्छा, व्हाइट पैकिंग। हाँ। अच्छा, तो ये दोनों आप एक साथ लाए थे? हाँ, दोनों एक साथ लाए थे हम, उसमें 100 पीस लाए थे वो। अच्छा अच्छा, और हम खाकी कैम्बल ही ज़्यादा लिए थे। अच्छा, आप दाने में शुरुआत में क्या दिए थे? दाने शुरुआत में तो जब उसको एक महीना था तो पूरा तो उसको फीड ही खिलाया गया था। एक महीने से तीन महीने माने 7-0 डे से उसको मान लीजिए 3 महीने तक फीडी खिलाना बहुत अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। अच्छा, खाने में फीड में क्या दिए थे? फीड में मतलब यहाँ तो हम लोग को डक फीड नहीं मिलता है। अच्छा, तो पोल्ट्री वाला जो फीड होता है। अच्छा, वही स्टार्टर वाला? प्री स्टार्टर नहीं खिलाए थे हमने, स्टार्टर खिलाए थे। अच्छा अच्छा, प्री स्टार्टर 10 दिन में होता है। अच्छा, 10 दिन तक उसको प्री स्टार्टर दिया जाता है, 10 दिन के बाद प्री स्टार्टर नहीं चलता है। अच्छा, तो स्टार्टर खिलाए थे, ग्रोवर खिलाए थे, और इसके बाद अभी लियार खिला रहे हैं। अच्छा, अभी लियार। तो इस जो फीड है स्टार्टर, तो उसके साथ और भी कुछ मिक्स करके देते हैं सिर्फ वही फीड? नहीं, वो फीड में तो कुछ मिलाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फीड में सब कुछ मिला ही हो रहता है। अच्छा अच्छा, दूसरी हाँ। बात है, कोई अगर प्रॉब्लम उसको दिखाई दे तो थोड़ा सा दवाई दिया जाता है। तो 9 महीने के एक्सपीरियंस में मैंने एक बात और आप जानकारी दे देते हैं नया फार्मर के लिए। अच्छा अच्छा, क्योंकि नया फार्मर तो जानने का नहीं क्या होता है। जो फीड खिलाते हम लोग सोचे थे जो फीड खिलाए रहे चलो भाई कुछ बड़ा हो गया है उसको थोड़ा कॉस्ट कटिंग करें, माने कॉस्ट उसको कम करने के लिए हम लोग क्या किए थे जो उसको फीड का साथ बंद कर दिए। फीड देना ही बंद कर दिए थे, अपना फीड बना लिए थे। अच्छा अच्छा, तो अपना फीड में हम लोग गेहूँ का दर्रा, आपका भुट्टा, तापर धान का जो कूड़ा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जो धान का राइस का जो छिलका होता है वो चीज देके, धान देके इसको एक के लिए फीड बनाए थे। अच्छा अच्छा, लेकिन उसको खिला के हम लोगों को देखें जे इसमें बीमारी आ जाता है, मतलब बीमारी क्या मतलब उसको कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसका चलते क्या हुआ था, उसको एक बीमारी आया था जो बाद में डॉक्टर लोग को पूछे थे बीमारी का नाम क्या है, तो बोला हर्माटाइटिस बीमारी है। अच्छा अच्छा, जो एक दूसरे को नोचा शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा, मतलब चोंच मारना शुरू कर दिया था, उसको खून पसीना निकाल दिया था, इसमें स्किन का उसका डिजीज हो गया था। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए तकलीफ होता है, नया फार्मर को एकदम बिल्कुल इसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो आप कितने दिन बाद जो फीड का जो चेंजेस किए थे? 2 महीने के बाद किए थे। अच्छा, 2 महीने के बाद। तो ऐसे यूट्यूब में बोल देता है 2 महीने के बाद कुछ भी खिला दो। अच्छा अच्छा, वो अपने आप ग्रोथ हो जाएगा, 4-5 महीने में अंडा देना शुरू कर देगा। हाँ। लेकिन हम किसी नया फार्मर अगर होगा, पुराना फार्मर के लिए हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पुराना फार्मर का बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, अच्छा। नया फार्मर का तो एक्सपीरियंस कम होता है, इसके लिए उनको हम मैंने सलाह देते हैं जो कम से कम 5 महीने तक, 5 महीने जब तक अंडा नहीं देते हैं तब तक वो फीडे खिलाएं बेहतर रहेगा। और उसका अंडा देने के बाद वो लेयर का साथ कुछ मिला के खिला सकता है, वो भी 50% कम से कम फीड उसको देना
जरूरी मतलब 50% लेयर के साथ और भी जो भी अदर्स चीजें अदर्स चीज जैसे धान होता है गेहूँ होता है या तो भुट्टा होता है कुछ भी खिलाए तो बेहतर रहेगा। अभी तक आपका 9 मंथ जैसे डक का हो गया तो अभी इसका क्या वेट है? अभी मान लीजिए मेरा फीमेल का वेट 1200-1300 ग्राम का होगा। अच्छा एवरेज एवरेज और यही रहना जरूरी है। अच्छा अच्छा यही रहना जरूरी है, इससे ज्यादा अगर हो जाएगा चर्बी हो जाएगा तो अंडा नहीं दे पाएगा। अच्छा, अंडा प्रोडक्शन में थोड़ा डिक्रीज आ जाएगा। हाँ, वो चर्बी हो जाने से अंडा नहीं दे पाएगा। अच्छा अच्छा तो और मेल जो मेल का मोटा मोटी वेट आपका गेन करेगा 1 किलो 700-800। अच्छा तो ये जो डक है ये कब से अंडा देना स्टार्ट करेगा? ये मोटा मोटी यूट्यूबर तो देखते हैं तो वो लोग कहता है 4.5 महीना से स्टार्ट करता है, लेकिन हकीकत में 4.5 महीना में अंडा नहीं देता है। हाँ। 5 महीना में अंडा देना शुरू करता है। अच्छा। वो भी फुल फोर्स में नहीं। अच्छा। जब तक उसका उम्र कम से कम 7-8 महीना नहीं हो जाता है तो फुल फोर्स में वो अंडा नहीं दे पाता। मतलब जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से। हाँ, उसका हिसाब से। अच्छा तो अभी आपका जो डक है वो कितने दिन से अंडा देना स्टार्ट किया है? मेरा तो 5 महीना शुरू किया था तो मान लीजिए मेरा 4 महीना अंडा देना शुरू हो गया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो 4 महीना अंडा मेरा दे रहा है। हाँ। लेकिन पहला कम हो रहा था, अभी उसको बढ़ते ज्यादा हुआ। अच्छा, तो अभी एक जैसे आपके पास अभी टोटल कितना बर्ड्स है? अभी मेरा अंडा देने वाला बर्ड है आपका 220 पीस। अच्छा, अब बाकी सब मेल है? अब बाकी सब मेल है। तो अभी कितना अंडा का प्रोडक्शन हो रहा है? मोटा मोटी 150 पीस पर डे। हाँ। अच्छा तो आप सेल भी करते हैं इसको? हाँ, सेल तो मार्केट में लोकल मार्केट में हमारा सेल हो जाता है। अच्छा। क्योंकि हमारा सटा हुआ बंगाल है। अच्छा 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 बंगाल। हाँ, बंगाल के बॉर्डर में हम रहते हैं तो सटा हुआ बंगाल है, बंगाल में अंडा का डिमांड भी बहुत अच्छा ही है। अच्छा अच्छा तो अभी आप अंडा जो है वो कितना रुपीस में सेल कर रहे हैं? अभी मान लीजिए एवरेज 9 रुपया। अच्छा, 9 रुपया पर पीस के हिसाब से? पर पीस हिसाब से। अच्छा 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 ठीक है। तो हमें लगता है कि आपसे अगर हमारे छोटे किसान जो नया फार्मर है वो अगर जुड़ेंगे तो उनको बहुत सारा फायदा उनको मिलने वाला है और एक जेन्युइन चीज उनको मिलने वाला है। हाँ, और एक चीज है, अगर छोटा किसान है तो उसको छोटा सा शुरू करना चाहिए। अच्छा अच्छा, मान लीजिए हम 500 लिए थे तो हम भी मुसीबत में गिर गए थे उसको 6 महीना पालने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो छोटा किसान को हम यही सलाह देंगे जो छोटा से शुरू करें। अच्छा अच्छा, माने एक साथ में वो 500 नहीं करके कम से कम 200-100 करके शुरू करें ताकि उसके बारे में उनको पता चले। हाँ। उसका जानकारी हो, चाहे उसका इसमें इन्वेस्टमेंट भी खर्चा है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोई लड़का है जिसका पास मान लीजिए 1-2 लाख-3 लाख पूंजी है और वो अगर 500 पीस ले आएगा तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसका फार्म बंद कर देना पड़ेगा। हाँ, और ऐसे ही फार्मर्स मतलब करते हैं और वो लॉस कर जाते हैं फार्मिंग में और तब उनको लगता है कि नहीं ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। लेकिन गलती उसका नहीं है, गलती उसका मैंने सिचुएशन का जो वो सोचा नहीं जाए कितना खर्चा इसमें आ सकता है। अच्छा अच्छा, जैसे हम सोचे थे जब मेरा 3 लाख में 6 महीना हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हम सोचे थे 3 लाख में मेरा 6 महीना हो जाएगा, मेरा अंडा देना शुरू कर देगा, हमारा पैसा वहाँ से रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हुआ। तो कितना आपका कितना खर्चा हुआ अभी तक? मेरे तो लगभग 6 लाख रुपया खर्चा हो गया। 6 लाख रुपया खर्चा हो गया। तो अभी आपका अंडा भी सेल हो रहा है? अभी 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 उतना दिक्कत नहीं है। अभी जो अंडा सेल हो रहा है उसमें उसका खाना भी निकल जा रहा है, कुछ पैसा मेरे लिए बच रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये जो डक ये कितना दिन तक अभी अंडा देगी? ये 2 साल। 2 साल तक देगी, मतलब 2 साल तक आपको ये प्रोडक्शन देते रहेगी। हाँ, तो कम ज्यादा लेकिन देते रहेगी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2 साल में जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाएगा वापस? ये तो हम अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि मेरा 9 महीना है, अभी 13 महीना बाकी है। हमें फ्यूचर में है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर मान लो ऐसे चलते रहेगा जैसे चल रहा है ऐसे चलते रहेगा तो पैसा आ जाएगा। तो लगभग फिर भी आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है, एक मार्जिन से बताइए, मतलब एवरेज? मान लीजिए जो फिलहाल 20,000 करके महीना में, अभी सिचुएशन में जिस हालात है। हाँ। इस हालात में 20,000 करके महीना बच रहा है। अच्छा अच्छा, तो अगर ऐसे ही मान लीजिए बात बचते रहेगा। हाँ। तो मान लीजिए बच साल में कितना होगा, 12 दुगुना 24, 2,40,000। 2,40,000, सॉरी, 2,40,000 साल में आपका आएगा। तो 1-2 साल में पैसा तो जितना इन्वेस्ट किए हैं वो तो आ ही जाएगा। हाँ, वो तो बिल्कुल सही। और अपना अंडा रहेगा, अपना हैचरी रहेगा, तो फिर फिर हमको दूसरे के पास दौड़ना नहीं है। हाँ। अपने अपना मेरा बढ़ते रहेगा। हाँ। तो मछली अभी तक हार्वेस्टिंग की है? हाँ, मछली जिसमें 50 किलो मोटा हम पकड़ रहे हैं अभी तक। ठीक है, अगर आपकी फार्म में कोई विजिट करना चाहेंगे तो वो कैसे आ सकते हैं यहाँ तक? यहाँ से मान लीजिए बंगाल से कोई आए तो उसको मेहजाम आना पड़ेगा। अच्छा, मेहजाम चित्तौंजन रेलवे स्टेशन। चित्तौंजन रेलवे स्टेशन के बाद वहाँ से गूगल में सर्च करेंगे तो मेरा फार्म तो दिखाई देगा। और दूसरी बात है, रास्ता भी बता देते हैं जो वहाँ जो निर्मल चौक महातो होता है रोड मोड़, वो मोड़ से सीधा कुछ भी दिया भागा होकर मराल होकर आ सकता है मेरे फार्म में।
इनका फार्म जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमने स्क्रीन पे दे दिया या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप इनसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर आप बहुत अच्छा जानकारी दी हमें और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपको भी नमस्कार। ठीक है सर, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा जानकारी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों हम ऐसे ही जो है बहुत सारे फार्म में विजिट करते हैं, फार्मर से मिलते हैं। आप भी अगर एक फार्मर, अगर आप भी चाहते हो कि आपका फार्म, आपका नॉलेज अगर हमारे ऑडियंस का शेयर करना, दोस्तों आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो दोस्तों आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों बस यही था एक छोटा सा वीडियो, दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।